हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो ये 112 नंबर पेज का, जो चैप्टर 7 का 112 नंबर पेज का ये ट्राई दीजिए आपके सामने, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है आप इसका कौन सा परफेक्ट क्यूब्स है। ओके, तो उसको फाइंड आउट आपको करना है। तो इसको करने के लिए आपका एक तरीका है, तो उस तरीके को हम पहले समझ लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसी में से एक एग्जांपल लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो जैसे आपका 400 है, ठीक है, तो 400 का आपका क्यूब निकालना है, तो छोटे से छोटे नंबर में पहले इसको हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको किस में कर सकते हैं? सबसे कम में 2 में कर सकते हैं। तो 2 में करेंगे तो कितना होगा? ये आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 200 हो गया। फिर इसको हम 2 में कर सकते हैं, फिर आपको आएगा 100। ठीक है, फिर आप इसको 2 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर आएगा आपका 50। फिर क्या 2 में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फिर आएगा आपका 25। ठीक है, अब ये 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, सीधा ये होगा आपका 5 में। 5 में करने से कितना होगा? 5। ठीक है, फिर हम 5 में करते हुए लास्ट में 1 आ जाएगा। अब इसको अगर हम तीन तीन के ग्रुप में बनाएंगे, ठीक है, ये तीन तीन के ग्रुप में हम इनको बनाएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। बट जब आप ग्रुप बनाएंगे तीन का, तो इक्वल टाइप का नंबर्स होनी चाहिए। देखिए, यहाँ एक ही ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप को आप 2 में कंसिडर करके आप चल सकते हैं आगे क्यूब के लिए। बट यहाँ और 2 ग्रुप नहीं बन रहा, मतलब ये 5 का अगर और एक होता, या फिर ये 2 के जगह पे 5 होता, तो इस यहाँ पे हम 5 लिख पाते। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का 10 को हम जस्टिफाई कर पाते कि वो 10 का स्क्वायर रूट इसका 10 है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 है जिसका हम ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे, मतलब 3 का ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे। ये अलग से 2 आ रहा है, फिर ये 2, 5 आ रहा है, इसमें भी 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। अगर सारा 3 का ग्रुप बन जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा दिया है? 3375। तो 3375 से शुरू करते हैं फिर। 3375, ये 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब ये क्या 3 से हो सकता है? 3 को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको देखना पड़ता है सारे को मिला के ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। यानी कि 3 3 6 और ये 7 5 12, 12 और 6 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी ये भी हो सकता है। तो करने से कितना होगा? 1 1 2 एंड 5। ठीक है, ये आपका हो गया 1 1 2 5। अब आगे देखिए, आगे क्या ये 2 से होगा? ये बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ फिर चारों को मिलाने से 9 बन रहा है, जो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो फिर ये कितना होगा? 9, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 3 3, फिर आपका 7 और 5। ओके, तो अब देखते हैं, अब ये क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? तो 7 5 12 और 3 15, यानी कि ये फिर 3 से हो सकता है। 1, ओके, फिर 2, फिर 5, ओके। तो अब क्या ये 3 से हो सकता है? अब देखते हैं, ये 3 5 8 नहीं हो सकता। अब इसको किससे कर सकते हैं? इसको हम 5 से कर सकते हैं। तो 5 से करने से आएगा 25, फिर आपका, फिर 5 से करने से आएगा 5, और फिर 5 से करने से आएगा 1। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ हम तीन तीन का ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ जैसे 3 का एक ग्रुप हुआ और ये 5 का, 3 का एक ग्रुप हुआ, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि ये 15 का, ये जो नंबर है ये आपका 15 का क्यूब करने से ये आपका 3375, यानी कि 3375 बनता है। तो ये 15 का परफेक्टली क्यूब है। ठीक है,
तो इस हिसाब से हम इसको आगे भी कर सकते हैं। पहला है इसमें चलते हैं, तो ये है 15625। तो इसमें आपको पहले देखना है क्या 3 से ये किया जा सकता है, 2 से तो नहीं होगा। तो 3 से देखने के लिए क्या करना है, सेम वे यहाँ पे 7 और 12, ठीक है, 12 7 आपका 19, ओके 12 7 19 है, तो ये 3 से नहीं हो सकता, सीधा 5 से होगा। तो 3 15 और फिर 1, फिर 2, फिर आपका 5, ठीक है, यही हो रहा है, पहले 3 फिर 1 फिर 2 फिर 5। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये आप फिर 5 से करना पड़ेगा, फिर 6 2 और 5, ठीक है, फिर हम 5 से कर सकते हैं, तो ये 1 2 5, ठीक है, फिर 5 से कर सकते हैं, फिर 25, फिर आप 5 से कर सकते हैं, फिर 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ देखिए 5 का 3 और यहाँ 5 का 3, यानी कि ये 5 इंटू 5 25 का क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है, ये जो है आपका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब निकला। सेम वे हम आगे बढ़ते हैं, ये तीनों को आप कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं लास्ट वाला आपको करके दिखाता हूं। जैसे 10648, तो यहाँ पे सीधा बिना सोचे पहले तो 2 वाला ही हम करेंगे, ठीक है, तो 2 करेंगे तो 5, ठीक है, 5 3 2 4, ठीक है, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 होगा तो 1 and 3 6, फिर 6 फिर 2, फिर आपका 2 से हो सकता है 1 3 3 1, ठीक है। अब किससे कर सकते हैं, अब इसको सोचना पड़ेगा, अब किससे करें, ठीक है, अभी ये 1 3 3 1 है, ये आप 7 से कर सकते हैं, या 5 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के लिए आपका ये 8 बन रहा है, 5 से नहीं हो सकता, 7 से होगा क्या, आप देखेंगे 7 2 14 7, आप इसको अलग से देख सकते हैं इस केस में, तो 7 से करने के लिए आपका 7 1 7 और 6, यानी कि 9 से ये कट जाएगा तो फिर 1 आ रहा है, 7 से भी ये नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपको देखना है क्या 11 से हो रहा है, 11 से देखने के लिए आपका 13 3 1, तो 11 से देखते हैं, 11 से 1 करेंगे तो आपका ये 2 3, ठीक है, 2 3 यानी कि 2 तो 22 होता है और 1 और 1, ठीक है, तो ये और एक 1 होगा, तो यहाँ पे आप 11 डायरेक्टली कर सकते हैं, तो फाइनली आएगा 1 2 1, फिर आप इसको 11 में करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 में करेंगे तो 1 आएगा, तो यह दो ग्रुप बन गया, एक 11 का एक 2 का, ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22, ये 22 का क्यूब है, यानी कि ये एक परफेक्ट क्यूब है 22 का, ठीक है, ये 22 का क्यूब है और परफेक्ट क्यूब है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सॉल्यूशंस के साथ, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।